डर लग रहा है आपको ना? ऊपर देख के चलेंगे तो डर नहीं। हाँ नीचे देख के चलिए नीचे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टू अनदर न्यू वीडियो। होप्स आप लोग सब कोई अच्छे होंगे। और अभी है हम लोग पतरातू वाले रास्ते में और यहाँ से भी 13 किलोमीटर बाकी है पतरातू। तो आज हम लोग जा रहे हैं पतरातू क्योंकि सुनने में आया है पतरातू वैली में कुछ नया किया गया है। तो चलो देखते हैं कुछ बदलाव। और यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा सा रुके हैं, थोड़ा सा फ़ोटो वोटो क्लिक करेंगे और उसके बाद निकलते हैं थोड़ा देर में। तो सीधे मिलते हैं पतरातू वैली में। A few moments later. Mic testing. Hello, 1, 2, 3. तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पतरातू वैली। कैमरामैन इधर तो दिखाओ। और अभी जिस चीज के लिए हम लोग आए थे उसको थोड़ा देर में दिखाएंगे। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि हम यहाँ जब भी आते हैं यहाँ का फुचका हमेशा ट्राई करते हैं। पर आज जिस ठेला में हम ट्राई किए हमको लगा खाली होगा, तो चलो वहां से खा लेते हैं। पर कुछ खास नहीं था, एवरेज था। उतना भी ख़राब नहीं था, उतना भी ठीक नहीं था, एवरेज था। और अगर कभी ट्राई करते हो तो आगे वाला ठेला में जाना, वहाँ खा लेना। भैया है शायद, सुनाई दे रहा है इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को जिस चीज़ को हम लोग देखने आए हैं उस चीज़ को। चलो तो ये रहा पतरातू वैली। पहले ये प्लेन था, इसको कलरफुल कर दिया है तो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले भी अच्छा था पर अब इस पतरातू वैली का खूबसूरत और बढ़ गया, सॉरी खूबसूरती और बढ़ गया है, जिसमें बहुत सारे लोग फोटोशूट के लिए आ रहे हैं। और हम लोग भी बस वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा खाली हो और एक दो टेक हम लोग भी ले लें। पर देखो कब खाली होता है। और वो लोग का पोज दिखाओ ना, समझ रहे हो ना। और एक बात आप लोगों को बोलना था कि हम जब भी पतरातू वैली आए हैं तो हम एक चीज देखने का कोशिश किए, वो जो टापू दिख रहा है आप लोग को, उसको बोलता है वहाँ हार्ट बनता है, पर हम आज तक तो हार्ट बनते हुए देखे नहीं है। अगर आप लोग को दिखता है तो फोटो वोटो होगा तो हम कुछ जरा शेयर करिएगा, हम भी जरा देखे कैसे हार्ट बनता है। हम बहुत बार आए पतरातू पर हम कभी नहीं देखे कि वो हार्ट बन रहा है। तो चलो फोटो वोटो क्लिक करते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसा होगा, जैसा होगा आप लोग को दिखाते हैं। और आप लोग को और एक बात बताना चाहेंगे, अगर आप लोग यहाँ फोटोशूट करने के लिए आ रहे हो तो थोड़ा गाड़ी उड़ी देख लीजिएगा, उसके बाद क्रॉस करिएगा क्योंकि बहुत गाड़ी चलता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो अपने रिस्क पे आइएगा, अपने रिस्क पे फोटो खिंचाइएगा। तो आप लोग को वहाँ से उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, जिस दिल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ भी देखो ये वाला क्लियर दिख रहा है। इसी दिल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम जानना चाहते हैं। बस हम लोग पतरातू वैली तक गए थे, वहाँ थोड़ा बहुत वीडियो शूट किए और अभी पहुँच चुके हैं रॉक गार्डन। और हमारा कैमरामैन को यहाँ लोकेशन अच्छा लगा तो फोटो खिंचा रहा, पतरातू को छोड़ के रॉक गार्डन में फ़ोटो खिंचा रहा। और अभी और एक प्लेस है कुछ रांची में, कुछ नया है तो वो भी आप लोग को दिखाते हैं। तो फोटो वोटो क्लिक कर ले तो उसके बाद मिलते हैं। A few moments later. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे हम लोग को जाना था। और इससे पहले हम लोग गए थे रॉक गार्डन क्योंकि हम लोग वीडियो में जहां तक देखे थे हम लोग को लगा था रॉक गार्डन में होगा, पर वहां जाने के बाद एहसास हुआ कि हम लोग यहां के लिए नहीं बने हैं। क्योंकि वहां का आदमी लोग ऐसा ऐसा लोग था, कोई बाल बनाना सीख रहा था तो कोई क्या कर रहा था तो क्या, और वो लोग ऑकवर्ड नहीं हो रहा था, वो लोग को देख के हम लोग ऑकवर्ड हो रहे थे। तो हम बोले चलो यहां से निकलते हैं, फिर बाहर में थोड़ा सा पूछे तो पता चला कि बगल में है रेस्टोरेंट। तो फिर अभी हम लोग आ चुके हैं, कुछ यहाँ का एम्बियंस कुछ ऐसा है और यहाँ से आपको काके डेम का भी व्यू मिलता है। और यहाँ पे मेन चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो है ये वाला। अब हम अभी बिहार तो जा नहीं सकते हैं और हमको ये चीज़ ट्राई करना था, ग्लास ब्रिज। तो ये रांची का फर्स्ट ऐसा रेस्टोरेंट है या कोई जगह है जिसमें ये ग्लास ब्रिज है, तो अभी हम ट्राई करेंगे। फिलहाल तो हमको डर लग रहा है,
और यहाँ का प्राइस का बात करें तो थोड़ा बहुत थोड़ा ज़्यादा ही कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, प्लस यहाँ का एम्बियंस भी अच्छा है और कुछ नया है रांची में, कुछ ऐसा नहीं है, तो इसलिए शायद कॉस्टली है। तो अपने हिसाब से ये भी ठीक ही है, तो जिसका पॉकेट में है पैसा वो आ सकता है और जिसका नहीं है वो कंट्री करके आ सकता है, उतना भी हाई फाई नहीं है। तो अभी हम इसमें ट्राई करेंगे चलने का। सेफ जगह जी, हेलो कैमरामैन पकड़ दो मेरा वीडियो, ज्यादा हीरो मत बनो गिर जाएगा। ऊपर देख के चलेंगे तो डर नहीं। हाँ नीचे देख के चलिए, नीचे पागल है तू, नीचे में नहीं लगता है डर। यहाँ तो उतना गड्ढा बोलते हैं, उतना खाई भी नहीं है, और जो बिहार वाला है उसमें इतना वो तो बहुत बहुत डर लग रहा है आपको ना, मेरा दिमाग हैंग हो गया गाइस। तो बिहार वाला में तो वो तो बहुत ऊंचा में है और नीचे पूरा खाई है, वहाँ आदमी कैसे चलता है समझ में नहीं आ रहा, मेरा यही हालत खराब हो रहा है। तो खा पी के आए थे इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं मंगाए, फ्रेंच फ्राइज मंगाए हैं और पिज़्ज़ा मंगाए हैं, तो अभी पिज़्ज़ा आने में टाइम है, तो अभी हम लोग खाते हैं फ्रेंच फ्राइज, और ये हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब हम दुख रहते हैं खुश रहते हैं हमको ये चीज़ चाहिए रहता है, पर अभी आलू इतना महंगा चल रहा है कि इसको हम घर में नहीं बना सकते। गलती से कुछ क्लिप्स डिलीट हो गया जिसकी वजह से ये वीडियो अधूरा अधूरा लग रहा है, पर मेरे से जितना हो पाया हम उतना एडजस्ट करके एडिट किए, होप्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम से पूरा ध्यान रखेंगे कि ऐसा गलती दोबारा ना हो, होप्स आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।